हम लोग जब भी जन्म कुंडली देखते हैं तो दृष्टियों का एक अपना महत्व होता है। कोई भी ग्रह स्थान के अंदर बैठा हुआ है और जहां पर दृष्टिपात कर रहा है उसका एक विशेष प्रभाव होता है और उसी के अनुसार हमें शुभ अशुभ परिणाम फल को समझना चाहिए। मान लो हम मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, हम वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में मंगल जो है लग्न में बैठा हुआ है या शनि लग्न में बैठे हुए, तो आपने देखा होगा कि कुंडली मैचिंग के दौरान हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं, इसका विचार करते हैं और उसको देखा जाता है कि लग्न का मंगल जो है सेवंथ हाउस को डैमेज करेगा। मांगलिक तो कहा ही जाएगा, लेकिन अगर शनि होंगे तो मांगलिक तो नहीं है, लेकिन सप्तम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि यहां पर अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो इससे हम उसको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। या फिर जो है उसका कोई वहां पर कैंसिलेशन करने वाला जो प्लैनेट है अगर वहां पर बैठता है तो भी ऐसी स्थिति में उसको पुनर्विचार किया जा सकता है। ऐसे ही जो ग्रह की दृष्टियां हैं उसको अलग अलग हिसाब से बांटा गया है, जैसे कि एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और फिर चौथी दृष्टि, यानी जिसको हम पूर्ण दृष्टि कहते हैं। अब इसमें जो है अलग अलग वर्गीकरण जो इसको किया गया है, एकपाद दृष्टि त्रिदशमी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, तीसरे और दसवें घर के अंदर जो दृष्टि पड़ रही है वो एकपाद दृष्टि है, यानी एक किस चीज के चार भाग हम कर लेते हैं उसका एक हिस्सा वहां पर पड़ रहा है। दूसरा है द्विपाद दृष्टि, यानी आधा, दो भाग, दो बाद जो द्विपाद दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी नौ पंचमे, नौवे भाव पर और पंचम भाव पर। उसके बाद आती है त्रिपाद दृष्टि, तीसरी पाद दृष्टि जो है वो चतुर्थ, यानी चौथे भाव के अंदर और दशम भाव के अंदर, सॉरी आठवें भाव के अंदर जो है त्रिपाद दृष्टि पड़ेगी, और संपूर्ण दृष्टि जो पड़ती है वो सातवें भाव पर पड़ती है, जो सभी ग्रहों की सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कुछ ग्रह जैसे कि शनि है वो तीन और दस को भी पूर्ण रूप से देखते हैं, मंगल है चार और आठ को भी पूर्ण दृष्टि देखते हैं, और बृहस्पति है जो नौ और पांच को पूर्ण दृष्टि देखते हैं।